पहले गन्ने के लिए हम लोग डबल लैटरल्स लगाते थे, ये लैटरल्स डबल लगाते थे। अब ये सिस्टम के अंदर हमारी लैटरल्स भी कम लगेगी और ये जो सिंगल लैटरल है, ये जो चार गांठ लगी है यहाँ पर उसके बीच में से जाएगी और इसको 30 सेंटीमीटर के ऊपर इसके ड्रिप्स है, इनबिल्ट ड्रिप्स है। तो एक ड्रिप बिल्कुल इस कोने में आएगा, एक सेंटर में आएगा और एक यहाँ सेंटर में आएगा, मतलब पानी जो है वो बिल्कुल उसकी जड़ के पास पानी गिरेगा। तो इस तरीके से गन्ने की लागवड में लैटरल भी कम लगेगा, पानी का वेस्टेज भी कम होगा और डायरेक्ट उसकी रूट सिस्टम को पानी जाएगा। तो ये न्यू सिस्टम की प्लांटेशन है और इस प्लांटेशन के माध्यम से जरिए तरीके से चार गांठ है, ईच गांठ में से, ईच सीड्स में से अप्रोक्सीमेटली 10 शूट्स का एक्सपेक्टेशन रहेगा और वो 15 से 20, 22, 25 फीट तक जाएगा और ईच फीट में से हम 100 से 125 केजी शुगर केन का एक्सपेक्टेशन करते हैं। एक एकड़ में 1400 इस तरह के पीट्स होंगे, 5600 सीड्स लगेगी और उसमें से मिनिमम 100 टन्स एक्सपेक्टेड, इज मोर देन 150 टन बट मिनिमम 100 टन्स की उत्पादन होगा। और ये सिस्टम से गन्ने की लागवड मिनिमम 4 इयर्स, 4 साल तक के आपको गन्ना वापस लगाने की जरूरत नहीं है। सब मैक्सिमम अगर सही तरकीब से इसका मेंटेनेंस हर साल किया तो अगले 10 साल तक के गन्ने को फिर से लगाने की जो कॉस्ट आएगी किसान को वो नहीं आएगी।